राजेंद्र गोस्वामी हजारी टाइम्स में आपका स्वागत है। आगे डालते हैं आज की क्या है खास खबर। सत श्री अकाल, आशा करते हैं कि आप घरों पर अच्छे से। खबरों की शुरुआत सबसे पहले ललितपुर से करते हैं। शुरुआत सबसे पहले आज हम मेमो ट्रेन से करते हैं कि आज ललितपुर जनपद को ट्रेनों की एक नई सौगात में नई इबारत जुड़ गई। एक नई मेमो ट्रेन मिली जी तक खुदराव तक के लिए ट्रेन है। वहीं आज तालवेट सहित ललितपुर में इस ट्रेन का भव्य स्वागत हुआ और आज पहला दिन था। आइए डालते हैं इस खबर पर विस्तार से नजर। भारत सरकार द्वारा झांसी से बाया ललितपुर होकर छतरपुर खुदराव जाने वाली नई मेमो ट्रेन के आज चालन होने पर जिला पंचायत अध्यक्ष कैलाश रंजन के नेतृत्व में ललितपुर स्टेशन पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने हरी झंडी दिखाकर इसका स्वागत किया। अवसर पर भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अजय पटेरिया ने कहा कि हमारे सांसद अनुराग शर्मा लगातार अपने लोकसभा क्षेत्र में विभिन्न ट्रेनों के परिचालन बढ़ाने व स्टॉपेज कराने एवं नई ट्रेनों के परिचालन के लिए प्रयास करते रहे हैं। ललितपुर में बाल श्रम के विरुद्ध चलाया गया सघन चेक इन अभियान एवं नियोजकों को बाल श्रम न कराए जाने हेतु किया गया जागरूक। के द्वारा पुलिस लाइन सभागार कक्ष में जनपद के व्यापारी मंडल के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें व्यापारियों से उनकी समस्याओं को जानकारी कर उनके पूर्ण समाधान के लिए सभी को आश्वस्त किया गया। गोष्ठी के दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी से अपील की गई कि अपनी अपनी दुकानों एवं मकान के सामने सीसीटीवी कैमरे अवश्य लगवाएं। इससे किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना होने पर इसकी संपूर्ण जानकारी कैमरे में कैद हो सके। इसके साथ ही आगामी त्योहार को सौहार्द एवं शांतिपूर्ण बनाने की अपील की गई। जिला रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा जिला क्षय रोग नियंत्रण केंद्र में वर्तमान में उपचार प्राप्त कर रहे क्षय रोगियों के पोषण हेतु टीवी मरीजों को पोषण आहार किटें वितरित की गई। इस अवसर पर सीओ इम्तियाज अहमद ने बताया कि टीवी मरीजों को पोषण का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा पोषण किट वितरण से क्षय रोगियों के पोषण स्तर पर सुधार में मदद मिलेगी। रोनी कोतवाली परिसर में तहसीलदार महरौनी शेख अलीमदार की अध्यक्षता कोतवाल अशोक कुमार उपाध्याय के संचालन में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें नगर के गणमान्य नागरिक, व्यापार मंडल, डीजे संचालक, पत्रकार प्रमुख रूप से मौजूद रहे। वहीं अगर समस्याओं की बात करें, प्रमुखता से फर्राटा भरते वाहनों को, खासकर नाबालिग द्वारा दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी बैठा कर तेज रफ्तार से चलने की चिंता जाहिर की गई। अधिकारियों ने आम जनमानस से निर्धारित गति से वाहन चलाने और यातायात के नियम के पालन करने की अपील की गई। आज बैठ की खबरों पर डालते हैं एक नजर। बाइक सवार ने छात्रा मरी जोरदार टक्कर, हालत गंभीर। थाना पुरा कला क्षेत्र के ग्राम चौबारा में पैदल जा रही छात्रा में बाइक सवार ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे छात्रा की हालत गंभीर चोट आई। परिजनों ने तुरंत तालबेट सीएससी में भर्ती कराया। जानकारी के अनुसार सोनम पुत्री राम सिंह निवासी ग्राम चौबारा बुधवार दोपहर स्कूल से पढ़कर अपने घर वापस ग्राम चौबारा जा रही थी, तभी पीछे से तेज रफ्तार से आ रही बाइक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे छात्रा को गंभीर चोट आई। हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने 108 की मदद से झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। पुलिस ने जुआ खेल रहे चार जुआरियों को दबोचा। इन दिनों पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुताक के निर्देश पर पुलिस असामाजिक तत्वों, वांछित व जुआ अड्डों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कोतवाली पुलिस ने चार जुआरियों को दबोच लिया। गए जुआरियों के विरुद्ध जुआ अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। कोतवाल विनोद कुमार मिश्र ने बताया कि उप निरीक्षक कसवा इंचार्ज दीपाली सिंह भदौरिया हमराही के साथ गश्त कर रहे थे। उसी समय मुखबिर की सूचना पर कड़ेसरा कला में मानवेंद्र के घर के अंदर कुछ लोग जुआ खेल रहे थे। सूचना के बाद पुलिस टीम ने बताया गया स्थान पर दबिश दी, जहां जुआ खेलते हुए मानवेंद्र निवासी कड़ेसरा कला राजेश राजपूत पुत्र हरचरण राजपूत निवासी बमौरी बेबी राजा पुत्र नरेंद्र सिंह निवासी मोहल्ला चौबियाना रेंज ऑफिस तथा तालवेट ब्रजेश कुमार निवासी मोहल्ला रानीपुरा कस्बा तालवेट को मौके से दबोच लिया। अगर हम फड़ की बात करें, 6,000 रुपया तथा जमा तलाशी 27,500, जिसमें कुल 33,500 रुपए व 52 तास की गड्डी बरामद की गई। चौकी प्रभारी ने एक नफर वारंटी को किया गिरफ्तार। पकड़ने वाली टीम में उप निरीक्षक प्रशांत राणा, हेड कांस्टेबल कुंवर सिंह व कांस्टेबल मंतेश कुमार मौजूद रहे। बांसी में सर्वजातीय सम्मेलन में 12 जोड़े वैवाहिक बंधन में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर कस्बा बांसी में नया बस स्टैंड के पीछे इंटर कॉलेज के मैदान में सर्वजातीय कन्या विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि सदर विधायक रामदन कुशवाहा, जिला पंचायत अध्यक्ष कैलाश नारायण निरंजन, कार्यक्रम संरक्षक जिला पंचायत सदस्य बार लीलाधर दुबे, कल्लू महाराज ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देकर उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। विवाह में दूल्हा दूल्हों की बारात में
प्रबंध मन तालाब मंदिर में किया गया, जहां पर बाराती उठी और कस्बे भ्रमण करते हुए आयोजन स्थल तक पहुंची। उपस्थित कन्या पक्ष वालों ने दूल्हों को टीका किया। बारात में कस्बे में जो है बारात का भव्य स्वागत किया गया। विधायक ने कहा कि गरीब कन्याओं का विवाह कराना बहुत ही अच्छा काम होता है, ऐसे कार्यों के लिए समाज के लोगों को जो संपन्न है वह आगे बढ़ चढ़कर सहयोग ने। वही संत जोसेफ विद्या निकेतन में विगत दिवस एनुअल फंक्शन हुआ, वार्षिक समारोह हुआ और इसकी खबर को हम अपने चैनल पर दिखा चुके हैं। इसकी कुछ आकर्षक झलकियां हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। YouTube पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। अपना बेहतरीन से ख्याल रखिएगा। जय हिंद।